वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉल्स किचन। टुडे आई मेड कॉलीफ्लावर करी आलू गोभी। आज बना रही हूँ ये गोभी। एक बड़ी मैंने ली थी, इसका एक फूल, और इसका ये दो मीडियम ऑनियन है, ऑनियंस हैं, और अदरक है स्लाइसेस में, ये आखिर में डालूँगी मैं। और ऐसा तीन से चार अदद ये आलू हैं, आलू दरमियाने साइज़ के ये ले लें। और इसके अलावा ये धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर बन, और रेड पेपर पाउडर 2 टीस्पून है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं क्रश रेड पेपर भी डालूंगी। इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इतना 3 to 4 टेबल स्पून ये टमाटो पेस्ट है, ये भी डालूंगी मैं। और टमाटो पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टर्मेरिक पाउडर 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है, और इतना टमाटो पेस्ट है 3 to 4 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट है। और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें और जिंजर स्लाइसेस मैं आखिर में गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। हरी मिर्चें और हरा धनिया भी है। अब ये पैन रखा है फ्लेम पे, और इसमें 2 to 3 टेबल स्पून में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जब गर्म होगा तो मैं इसमें ये चॉप प्याज, चॉप की हुई प्याज डाल दूँगी अभी, और इसको फ्राई होने तक पकाऊँगी। फिर उसके बाद अदरक लहसुन डालूँगी और सारी स्पाइसेस इसमें डालूँगी। अभी ये देखें, ये चॉप प्याज डाली हैं, 2 मीडियम प्याज की ये डाली है। अभी इसको पकाना है, गोल्डन होने तक इसको पकाना है। अभी ये गोल्डन हो रही है प्याज, देखें ये प्याज फ्राई हो रही है। अभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो अभी काफ़ी प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है, तो मैं अब जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून जो था जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डालूंगी, और इसमें नमक और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्चें, और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ये भी डालूंगी, और इसके साथ टमाटो पेस्ट 4 टेबल स्पून वो भी डालूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट अब मैं डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाला है। थोड़ा सा गार्लिक स्मेल थोड़ी सी हो जाए तो 1 मिनट तक इसको बनाना है, 1 मिनट तक पकाना है गार्लिक पेस्ट को। और फिर मैं सारी मैं स्पाइसेस डालूंगी साथ साथ, ये थोड़ी सा जिंजर गार्लिक पेस्ट पक जाए तो 1 मिनट तक थोड़ा सा भूनना है इसको, गार्लिक और जिंजर गार्लिक पेस्ट को। और साथ ही फिर मैं नमक भी इसमें नमक शामिल कर दूंगी। नमक ये देख, अब नमक शामिल किया है, और इसके बाद फिर लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, और फिर कुटी लाल मिर्चें भी डालूंगी, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ये इसमें अभी डालूंगी। ये लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, और साथ ही टमाटो पेस्ट जो 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी। ये कुटी लाल मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर इसमें डालना है, और साथ चम्मच हिलाते रहना है इसमें ताकि लगे नहीं, और फिर साथ टमाटो पेस्ट डाल देंगे। आप
टमाटोज जो हैं वो वैसे साबुत वो भी डाल सकते हैं, इसमें मैं 4 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ, और साथ ही इसमें आलू भी जो चॉप किए हैं आलू वो भी आलू भी डाल देने हैं इसमें। थोड़ा सा आलूओं को गलाना है और फिर ये जो है गोभी फिर इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको पकने रख देंगे, 5 से 10 मिनट पकने रख देंगे। ये मसाला भूनता है, मसाला भून जाए तो फिर मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी और साथ में 1 या 2 कप वाटर शामिल करूंगी ताकि आलू पक जाएं थोड़े से, और फिर इसके बाद गोभी इसमें मैं शामिल करूंगी। ये टमाटो पेस्ट भी डाल रही हूँ इसमें, 3 से 4 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट भी, और टमाटो पेस्ट शामिल कर देंगे और इसके बाद आलू डालने हैं। आलू थोड़ा सा पकने रख देना है 2 कप पानी के साथ, वो आलू भी डाल दूंगी, और फिर इसमें कुटा ज़ीरा भी डालना है, 1 टेबल स्पून कुटा ज़ीरा भी डालूंगी, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अजवाइन भी डाली है, अजवाइन भी डालूंगी मैं, 1 टेबल स्पून अजवाइन डाली है, और आखिर में जिंजर स्लाइसेस, या तो आप अभी पकने के दौरान भी थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं और बाद में सर्व करते वक्त गार्निश के लिए जिंजर स्लाइस भी डालेंगे। अब ये मसाला भुन जाए थोड़ा सा तो फिर इसमें मैं आलू डाल के और ढकना लेड इसमें कवर करके और फिर 2 कप पानी इसमें शामिल करके और फिर मैं पकने रख दूँगी, ये 5-10 मिनट में हो जाएगा। और फिर इस दौरान अजवाइन भी 1 टेबल स्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून कुटा ज़ीरा ये भी दोनों शामिल करने हैं इसमें, और फिर इसके बाद गोभी डाल के और पकने रख दूंगी मैं। अब मसाला भुन गया था तो ये अब मैंने आलू शामिल किए हैं, ये 3 से 4 अदद आलू इसको काट लिया था, चॉप किया है, और फिर अभी शामिल किए हैं, और 2 कप पानी डाल के और फिर इसको ढकने से कवर करके और फिर इसको 5 मिनट पकाना है आलूओं को, 5-10 मिनट पकाना है, उसके बाद फिर गोभी डाल के भी पकाऊंगी। ये अभी पानी भी शामिल किया है इसमें ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं, और फिर इसमें गोभी डाल के और फिर कुटा ज़ीरा, अजवाइन, जिंजर स्लाइसेस, कोरिएंडर लीव, हरा धनिया के पत्ते वगैरह वो डाल के गार्निश करके सर्व करेंगे। अब मैं कुटा ज़ीरा और अजवाइन इसमें डाला है आलू के साथ ही, और पानी डाल के और ढकने को ढक के अभी पकने देंगे आलूओं को, ज़रा पक जाए तो फिर गोभी डालती।
कि हम आलू गल गए हैं, तो अभी ढकना खोल के देखा है, मैं ये गोभी इसमें शामिल कर रही हूँ और फिर मज़ीद इसमें एक कप और पानी डाल के और फिर इसमें फिर इसको पकने रख दूँगी। फिर इसको गलने तक, गोभी आलू दोनों जब गल जाएंगे गलने तक पकाना है इसको, 5-10 मिनट पकाएंगे और फिर सर्व करेंगे। आखिर में इसके जिंजर स्लाइसेस और हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। अब देखिए मैं सर्विंग डिश में इसको निकाल लिया, डिश आउट कर लिया और ऊपर जिंजर स्लाइसेस, हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के सर्व करें। शेयर माय रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।